अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुगलाई मटन मसाला करी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम मटन, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून कबाब चीनी। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे। गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कबाब चीनी पाउडर, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं। मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें डालेंगे मैरिनेटेड मटन। अब हम इसको कंटिन्यूस हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनेंगे। इससे करी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको कंटिन्यूस भूनते रहेंगे। देखें, मटन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप वाटर। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 कप इनफ है। अब हम इसके लिड से कवर करके 3 विजल तक हम इसको कुक करेंगे। 3 विजल हो गए हैं। चलिए हम इसको चेक करेंगे। यहाँ मटन अच्छे से गल गया है। अब हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप दही, 1 प्याज, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च, 10 से 12 बादाम, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, और खड़े मसाले में चाहिए शाहजीरा, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 3 से 4 इलायची, 2 से 3 लौंग, दालचीनी और 1 बेलीफ। मैं इन इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बना लूँगी। चलिए मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में ऑयल लिया है। इसमें डालेंगे खड़े मसाले। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका भी कच्चापन जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैं ऐड करूँगी ग्राइंड की हुई प्याज। इसको भी हम लाइट कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अब हम ऐड करेंगे कुक मटन। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ग्राइंडेड पेस्ट, बादाम और दही का। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूस हिलाते हुए इन मसालों को भूनेंगे। यहाँ मैं ऐड करूँगी नमक, मिर्ची, हल्दी। ऑलरेडी इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स मैं इसको कंटिन्यूस हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। इस तरह से देखिए, पकते हुए यहाँ पे मसाला गाढ़ा हो गया है। तो हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसको वाटर ड्राई होने तक पकाएंगे। वाटर ड्राई हो गया है। इस तरह की ग्रेवी हमें चाहिए था। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। हरा धनिया, थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब
अब हम इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही ग्रेवी से ऑयल निकलना स्टार्ट होगा, हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ हमारा मटन अफगानी मसाला करी रेडी है। चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस रेसिपी का फीडबैक दें मुझे, और कोई रेसिपी रिक्वेस्ट करनी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।